تطبيقاً لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group The Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. So, वो अब वक्त दूर नहीं कि जब हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है और हमने जिस तरह अपनी आंखों को बंद करके अपनी चीजों में जिस तरह हम गुमनाम हुए हैं और हमें पता नहीं कि हमारे दुश्मन आगे क्या क्या कुछ करे जा रहे हैं और ये हमारी खामोशी कहीं ना कहीं हम सबको बहुत पछतावा देगी एक दिन, और वो दिन भी कहीं दूर नहीं है, बहुत करीब, ऐसे करीब है कि हमारे आंख पलकते ही सब कुछ हमारे सामने नजर आ जाएगा। सो जैसा कि आप सबको पता है कि इजरायली एक रेड बछड़ी की तैयारी में जितना कुछ उसने किया, बछड़ी भी उसने बाय कर ली अमेरिका से, एंड उसके साथ साथ उसकी कुर्बानी इस महीने में उनकी कुर्बानी करने का भी उन्होंने सारा कुछ इंतजाम कर लिया है। हमने जो कुछ देखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया कि गरकत का पेड़ ये यहूद अपने बचाव के लिए उसको उगाएंगे, वो तमाम चीजें हमने अपनी आंखों के सामने देखी है और हमें जर्रा भर पता नहीं चला। आज जिस तरह फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जो कुछ जुल्म हो रहा, जिस तरह से भी उनके साथ जेनोसाइड हो रही है, उनके साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, वो आप सब अपने आंखों के सामने देखकर रह गए। और हम जो कुछ बायकॉट करना था, जो कुछ मुसलमान कंट्री को करना था, वो सब बेशरम बेहूदगी के साथ अपने मुल्कों में आयाशियां और अपने मुल्क को तरक्की के ऊपर ले जाने की जरूरत में पड़े हुए हैं, जबकि उनके अंदर ईमान, क्या मैं कहूँ कि ईमान बचा भी है या नहीं बचा, जो कुछ देखा जा रहा है ये गुज़िश्ता वक्तों के साथ। सो आज हम भी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हसीब भाई इस वीडियो के अंदर क्या कुछ एक्सप्लेनेशन किया, और एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको काफी इन्फॉर्मेटिव लगेगी और वीडियो को स्किप जरा भी नहीं करना, क्योंकि हर एक मोमेंट ऐसा मोमेंट है कि मुझे लगता है कि आप सबको सुनना चाहिए। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group The Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The time has come. आखिरकार वो वक्त आ चुका है। 2000 साल के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया, आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चिया की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डोम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र अंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारक के अंदर भी मौजूद है। अंजील के अंदर इसको आर्मगेडन और हदीसे मुबारका के अंदर इसको कहा गया है जंगे हरमजदून। सितंबर 2023 में यानी आज से 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बच्चिया को अमरीकी रियासत टेक्सिस से $5,00,000 देकर इसराइल में मंगवा लिया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इन्हें मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट ओलिव पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे। और ये कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। जब मैंने ये बात की थी तो उस टाइम तक इसराइल ने गजा पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो अक्टूबर 2023 के अंदर किया गया और ये वीडियो था सेप्टेम्बर का। सिर्फ 1 महीना पहले इस वीडियो के जरिए लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि इतना जल्दी आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, कि इसराइल हमास या फलस्तीनियों की मौजूदगी और मजामत को कैसे रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप देखें कि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया। इस वक्त गजा के 5 हिस्सों में से अल रफा के अंदर मजलूम फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइल यहाँ पर भी मुसलसल फिजाई एयर स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर बुनियादी इंसानी जरूरतें, खाना पीना और मेडिकल तक की सहूलत तक मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि जैसे वो पहले गजा पर हमले के अंदर इसराइल की माली और असले के जरिए मदद कर रहा था, अल रफा पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फलस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, वो बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं।
एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा तो दूसरी तरफ समंदर है तो बाकी दोनों तरफ से इसराइली फौजें इनको घेरे हुए हैं। लिहाजा अब की बार अलरफा पर यह हमला दरअसल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी होगी, ना कि जंग। लेकिन इसराइल ने वाजे तौर पर यह कहा है कि चाहे अमेरिका इस हमले के अंदर इसकी मदद करे या ना करे, लेकिन वो फिर भी रफा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फलस्तीनियों का वजूद ही इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देगा, वरना ये लोग अपनी जान बचाकर खुद ही यहाँ से भाग जाएं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि थर्ड टेम्पल की तैयारी के लिए। वो नहीं चाहता कि इस दौरान किसी भी तरह से गजा से उनको मजामत का सामना करना पड़े, लिहाजा उनका पत्ता ही हमेशा के लिए साफ कर दे। दूसरी तरफ वो मुसलमान उम्मत की नब्ज को भी देख चुका है कि इन जैसे बेहिस बेगैरत हुक्मरान मौजूद हों तो इसे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों, औरतों, बच्चों को इसराइली फौज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि खुद सऊदी अरेबिया यमन के हुती बागियों की तरफ से इसराइल के शिप्स के लिए स्विस कैनाल का रास्ता बंद करने के बाद से इसराइली आर्मी को ये ऑयल उर्दन के रास्ते यानी बाय रोड ये तेल पहुँचा रहा है, और यही वो तेल है जो कि इसराइली जहाज़ों के अंदर गजा पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर इनके टैंकों के अंदर इस्तेमाल होता है। बहरीन, कतर, यमन, लिबनान, उर्दन ने काफ़ी हद तक गजा की माली मदद तो की है, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट यानी मिस्र जैसे मुल्क टोटली बेहिस हो चुके हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया को तो छोड़ दें, अगर सिर्फ अरब मुल्क इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ एक ताकत बन जाएं, इसका बायकॉट कर दें, तो इसका वजूद एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता। मगर अफसोस कि ये अजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, क्योंकि अरबी मुसलमान तभी ख़त्म हो गए थे जब इनसे सल्तनत उस्मानिया ने बादशाहत छीनी थी। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, जिसका मफहूम है कि अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे जो कि तुम्हें भेजा गया था यानी कुरान करीम को, तो तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएंगे जो कि अल्लाह की फरमा बरदार होगी। अरबों से पहले बनी इसराइल कौम अल्लाह की लाडली उम्मत थी, और इसने भी अल्लाह के पैगाम को जब पीठ दिखाई तो इनकी जगह अरब को दुनिया की खिलाफत सौंप दी गई। और जब अरब ने भी बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के कुरान यानी अल्लाह के पैगाम को पीठ दिखाई तो उनसे दुनिया की खिलाफत को छीनकर सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दी गई। इस लाल बचिया की कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोइयों और फिर दजाल के जहूर की पेशन गोई अलामी किताबों के अंदर क्यामत की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद है। यहूदी कौम जिस आखिरी मसीह की 2000 साल से मुंतजर है, वह तौरात की पेशन गोई के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें इस कौम ने साजिश करवाकर रोमी बादशाह के हुक्म पर सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। और अब की बार जो मसीह इनका तीसरी आलमी जंग के बाद इनका बादशाह बनकर सामने आएगा, वो दरअसल झूठा मसीह यानी दज्जाल होगा, जिसका खात्मा करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर वापस आएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूलों को इनका पैगाम पहुंचाने से पहले कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार वो रसूल नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर दुनिया के अंदर वापस आएंगे और इस फितने अजीम यानी दज्जाल का खात्मा करेंगे, जिसे ख़त्म करना किसी और के बस में नहीं होगा। वो दीन इस्लाम को पूरी दुनिया पर नाफिज करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दमिश्क की एक जामे मस्जिद पर आसमान से फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर तशरीफ़ लाएंगे, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फ़ौज को दज्जाल और इसकी फ़ौज ने दमिश्क के ही किसी मकाम पर किसी जगह पर घेर लिया होगा। हदीसे मुबारका के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर इनकी फ़ौज के अंदर जो काले झंडों की जमातें शामिल होंगी, वो अरब के मशरिक यानी आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से आएंगी, जिन्हें इस वक्त खुरासान कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इन फौजों का रुख कोई फेर नहीं सकेगा, इनको कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो ईलिया यानी यरूशलम के अंदर जाकर मौजूदा इसराइल में जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगी, उनकी फ़ौज में शामिल होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कायम करेंगी। अब इस पेशन गोई के मुताबिक यहाँ पर यह बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि यकीनन उस वक्त खुरासान के अंदर खिलाफत का निज़ाम कायम हो चुका होगा, तभी तो वो फौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर इनकी मदद करने को पहुँचेंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर तुम्हें घुटनों के बल घसीट कर भी जाना पड़े तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के अंदर शामिल हो जाना, क्योंकि वह जन्नती लश्कर होगा। अफगानिस्तान में हाल ही में इस्लामी खिलाफत का निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप के खात्मे के इशारे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बढ़ते फसादात, क्या ये सब कुछ बिला वजह हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तमाम हालात बिल्कुल वही बन रहे हैं कि ये हालात एक ऐसी फौज को तैयार करेंगे जो कि इकट्ठे होकर खुरासान से निकलेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यरूशलम शहर को और मस्जिदुल अक्सा की जगह को आज़ाद करवाएंगे, जहाँ पर इस वक्त तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी बन चुका होगा। और यहाँ पर होगी वो तीसरी आलमी जंग जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इतनी खून रेज होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 999 इसमें कत्ल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बाकी रहेगा। लेकिन इस खून रेज जंग के बाद या फिर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आखिर के अंदर मोमिनीन को या मुसलमानों को फता देगा। यहूदी, ईसाई और मुनाफिकीन शिकस्त खाकर भागेंगे और यहूदी फौज छुपकर गरकत के दरख्त के अंदर पनाह लेगी, जिसका वो आज जगह जगह पर इसराइल या यरूशलम के अंदर पूरा पूरा भाग लगा चुकी है।
इस तीसरी आलमी जंग की फतह के बाद और दजाल के कत्ल के बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम पूरी दुनिया पर एक ही हुकूमत को नाफिज करेंगे। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही दीन होगा, यानी दीन इस्लाम, और इसके बाद क़यामत का आगाज़ होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम एंड टाइम्स यानी क़यामत के कितना करीब पहुँच चुके हैं। ये फिक्र की बात नहीं बल्कि खुशी की खबर है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन पेशन गोइयों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। हमारे पास सोचने के लिए अभी बहुत वक्त है कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, और इस जंग के बाद एक लंबा अमन सुकून का दौर भी आने वाला है। हम इंसान चाहें या ना चाहें, हमें मौत तो वैसे भी एक ना एक दिन आनी है, तो क्यों ना हम इन खुश नसीब लोगों के अंदर शामिल होकर हमेशा की जन्नत का सौदा करें, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नती ग्रोह के अंदर शामिल होंगे, जिन्हें आपने खुद जन्नत की बशारत दी। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जजा खैर हसीब भाई, आपने इतनी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन हम सबको हम तक पहुंचाई। एक जज्बा हमारे दिल में आ जाती है एक चीज़ सुनकर कि यार ये जो चीज़ हो रही है, देखे कहीं ना कहीं हम इन जंग को और जो कुछ होने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयां की, हम उसे जाहिर सी बात है अपनी आंखों के सामने देखेंगे होते हुए, उसमें कितनी खून रेजी होंगी, कितनी कत्ल गारत होंगी, कितना सब कुछ। एक मुसीबत हमारे सामने अभी से शुरुआत हो चुकी है और आगे क्या कुछ होगा हम सब जानते हैं, लेकिन हम इस बीच में हम अपनी आखिरत तो बचा सकते हैं, हम अपने जहन को तो संभाल सकते हैं। जो हम देख रहे हैं कि हम दीन से इतना वो हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। यार देखो अपने आप में एक नजर डाल के देखो, खुदा की कसम, तो हम सबको अपनी गलती महसूस होगी कि हम क्या कर रहे हैं। इस वीडियो से मकसद सिर्फ ये है कि अपने आप को, अपने अमाल को, अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश करो, अपनी चीजों को देखो, अपनी आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में अल्लाह के रसूल ने जो कुछ फरमाया था वो सब कुछ पूरा होने जा रहा है। एंड टू एंड ये जो वक्त आ रहा है, अब अल्लाह जाने ये कब क्या होगा, ये इस महीने के बाद या इस महीने में जो कुछ इन्होंने प्लानिंग की है, इनके प्लानिंग के हिसाब से हर चीज तो आगे से वो करते आ रहे हैं और वो प्लानिंग भी अपना सक्सेस करते रहे, तो ये चीज भी होने में कोई रोक नहीं सकता। और बेशक हम इस बात की खुशी है, उस खुशी में गम ये कि हम सब बहुत एक मुश्किल हालात से गुजरने वाले हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी पेशन गोइयां की है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम उस वक्त में है और मेहदी अलैहिस्सलाम का हमें उस लश्कर में अल्लाह पाक हमें शामिल करे। हम ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमें उन नेक लोगों में उठाना जो आपके दीन के लिए आपकी जिन्होंने सारी कुर्बानियां दी हैं। तो अल्लाह खैर करे। इस वीडियो से आप सबने क्या देखा वाकई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाबों में ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उन्हें इस चीज का एहसास हो सके और अपने अमाल और अपनी जिंदगी को सुधार सके। इंसान अपनी गलतियों से ही सुधारता है यार, कोशिश हर एक इंसान को करनी चाहिए, कोशिश से ही हमें अल्लाह पाक आगे पहुंचाएगा, हमें सीधे रास्ते पे ले जाएगा, तो वो कोशिश अपने अंदर लाए, इस बस कहने का मकसद ये है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।